अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की खबरों की ओर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। यूपी के फतेहपुर जिले में समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव विशंबर निषाद ने भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए संविधान की रक्षा करने और संविधान के आधार पर देश चलाने की बात कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम के आधार पर शासन कर रही है। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की इस खबर पर नजर, रिजवानुद्दीन की रिपोर्ट पर। विपक्ष लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जी को घेर रहा है, क्या कहना है इस पे आप पे, जो उनका बयान लगातार आ रहा है सामने? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार में इनकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा करने की, संविधान के आधार पर देश चलाना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम के आधार पर शासन सत्ता चलाना चाहती है। स्वामी साहब मौर्य जी ने स्पष्ट कर दिया है कि रामचरित मानस में जो कोई एक पंक्ति है उसके बारे में कहा कि ये हमारे लिए बहुसंख्यक समाज के लिए सुनने अच्छा नहीं थे, इसको हटाया जाना चाहिए, उसकी बात उन्होंने की है। तो हम चाहते हैं कि देश की जनगणना की चर्चा हो, देश में बेरोजगारी उसकी चर्चा हो, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं महंगाई पे चर्चा हो। यही भारतीय जनता पार्टी, अगर 50 पैसा डीजल के दाम बढ़ जाते थे पेट्रोल के तो सिलेंडर ले करके खड़े हो जाते थे, बैलगाड़ी पर चलते थे और संसद पे जो है महंगाई पे जो है टमाटर प्याज लेकर के जो है तो पहुँचते थे। तो ये ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं। समर्थन कर रहे हैं आप उनके बयान का? हम बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग सूद रहे हैं, वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, हम सूद रहे हैं तो सूद समाज के लोगों के लिए अगर अपमान है तो ऐसी चीज़ों को हटाया जाना चाहिए। बजट सरकार पेश कर रही है फरवरी माह में, इस पर क्या कहना है? अब कल बजट आएगा 1 तारीख को, तो हम लोग ये बता पाएंगे ये कैसा क्या बजट ला रहे हैं। लेकिन बजट में जो है पूरे देश के लोगों को, खासतौर पर आम जनता के ऊपर जो बोझ पड़ा है कोरोना काल से, जो किराए में वृद्धि हुई है, अगर रेल में किराए में वृद्धि होती थी या कहीं दुर्घटना हो जाती थी तो रेल मंत्री इस्तीफा दे देते। आज जो स्थितियाँ हैं, जो पैसेंजर ट्रेनें थी उनको स्पेशल ट्रेन बना के मेमो बना करके डबल ट्रेन किराया कर दिया गया है। तो आम आदमी को जो है राहत देना चाहिए किराए में, और जो टैक्स वाले हैं और जो इन्होंने अपना वादा किया था कि किसान की आय दूना करेंगे तो उसके इंतजाम करें। धन्यवाद। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।